सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। यार आज कल यार कोई वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गाइस है ना यार, एक तो ना मेरे जो रोटेटर कफ है ना उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इरिटेशन हो गया था मुझे इसकी वजह से, क्या बताऊं। ठीक है तो गाइस आपकी फरमाइश पे लेके आ रहा हूँ मिलो इन्यू अपडेट के बारे में कुछ बात करेंगे, मिलो इन्यू टोकन के ऊपर। मैं बता दूं आपको, मिलो इनू ऐसा लगता है जैसे कोई ताइवान का टोकन है एक तरीके से, हालांकि मुझे लगता है शायद ताइवान से रिलेटेड रिलेशन है इस टोकन का, उन्हीं के थ्रू से है, मतलब एशिया का कोई टोकन है यहाँ पे ये। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन मिलो एंड अदर क्रिप्टो इज दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एनिमेशन सीरीज। इनकी क्या खुद की एनिमेशन एक सीरीज है यहाँ पे, एनिमेशन है जिनका आप देख सकते हो, कार्टून है इनके एक तरीके से यहाँ पे, और NFTs है, गेम्स भी है, और इनका एक मिलो इनू वर्ल्ड है वो भी आने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे इनकी कम्युनिटी पे सॉरी हाँ यहाँ पे आप जो वेबसाइट है इनकी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो इनकी अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इनका एक कार्टून है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इनके कार्टून पे आप आ जाओगे, ये इनका कार्टून है। ठीक है, इट्स ओके, ये है, इट्स ओके, मिलो इनू टोकन सर्विस सर, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं, यहाँ पे जो करंट प्राइस है मिलो इनू का, एक दो तीन चार पांच छह सात जीरो आपको देखने को मिलती है, 1484, और 690 ट्रिलियन की इसके आसपास इसकी सप्लाई है, और $9 लाख के आसपास, मतलब 9,981,000 के आसपास का 24 आवर वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टोकन में अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $14 लगाओगे तो आपका करीब 100 करोड़ मिलो इन टोकन आप इजीली होल्ड कर सकते हो। ठीक है गाइस, और इसके अलावा अगर इसके होल्डर्स की बात करें, 98,162 होल्डर्स हैं। होल्डर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले काफी धीरे हो गए, इतनी ज्यादा होल्डर्स नहीं है जिस हिसाब से लग रहा है। देखो 14 मिनट्स होल्डर्स हैं, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ी स्पीड थोड़ी स्लो हुई है। और गाइज यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, वेबसाइट इनकी बहुत अच्छी, वेबसाइट में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, यहाँ पे इनकी सर्टिक ऑडिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, 85 स्कोर है सर्टिक ऑडिट का। यहाँ पे देखो मिलो वर्ल्ड नाम से, मिलो वर्ल्ड विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ द मिलो वर्ल्ड, विल स्टार्ट फिनिशिंग द मिलो एनिमेशन। पहले यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद फिर NFT, फिर गेमिंग का सिस्टम आएगा, फिर NFT से इनकी ऑलरेडी है, खैर आप चाहो तो बाय कर सकते हो ओपन सी पे। क्लाइंट कैन बिल्ड देयर ओन कस्टमाइज होम इन द मिलो वर्ल्ड, मिलो वर्ल्ड में आप खुद के होम्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं, तो देयर फॉर एवरी वन प्लीज बी पेशेंट, तो अपना धैर्य रखे, टोकन भी आपको अच्छा करके देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा यार देखो मेन कॉइन है, ठीक है, 42% द टोटल सप्लाई विल बी बर्न, यहाँ पे जो 692 मिलियन की सप्लाई है इसमें से 42% सप्लाई जो है इन्होंने बर्न कर दी गई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे काफी कम सप्लाई आपको देखने को मिलती है, और देखते हैं यहाँ पे और अच्छी बर्निंग होगी, तो हालांकि सप्लाई अभी भी ट्रिलियन में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनका और इनकी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मीम कॉइन है, इतना पैसा लगा जितना आप गवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं और इसकी बात करूं तो ये देखो मिलो यहाँ पे नाउ नोड्स पे भी मिलो लिस्ट हो चुका है, और gate.io पे इसको आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे top 10 मीम कॉइन्स में मिलो है, जहाँ पे वीनू कॉइन, मेबी डॉक, मिलू, स्पोकी, शिबा, पुली, डोगो, और ठीक है काफी सारे कॉइन है, कैट कॉइन भी है यहाँ पे, बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। ये लिस्ट है सिक्योर, मतलब ये सब सर्टिक ऑडिट, यहाँ पे शिबा इनू की सर्टिक 91 स्कोर है, केशुनी का 87 स्कोर है, मास डॉग कॉइन है, फ्लोकी फार्म है, मिलो का 85 है, बेबी डॉच 83 है। अगर मेरे पास पैसा है तो इन्वेस्ट किसमें करूंगा, मैं करूंगा शिबा के अंदर, और किशू में 10 करोड़ भी लगाऊंगा तो मेरे लिए बहुत है, और मिलो में भी इन्वेस्ट करूंगा, और डॉग्स ऑफ एलन और बफ डॉजकन ये कॉइन मुझे थोड़े ठीक लगते हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये इनके सिक्योरिटी ऑडिट है, 85 स्कोर जो है मिलो इनू का है, यहाँ पे किशू का है 87 स्कोर। ठीक है, और ये इनके NFTs है यहाँ पे, ये भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और एक बार इनके अभी कोई खास पे अपडेट नहीं आई, यहाँ पे इनका जो बायबैक और बर्न है वो चलता था, इनके NFTs के थ्रू ये लोग बर्निंग भी करते रहते हैं लगातार। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनके, एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एक्सचेंजेस है जहाँ पे अवेलेबल है, gate.io पे आप परचेज कर सकते हो, OKX पे, मैक्सी ग्लोबल और बिटमार्ट पे आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स हैं मिलो इनू टोकन को लेके, और यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ पढ़ें, मिलो बुलिश, तो यहाँ पे लिखो मिलो वेस्ट ताइवान डेवलपर्स डम देयर कॉइन्स अगेन, ठीक है, लेट्स गो टू जीरो, ये तो भैया मुझे पता नहीं, तो बुलिश कॉइन कहाँ से, यहाँ पे मिलो मस, मिलो कंटिन्यूस आउट फ्रॉम द बियर मार्केट, मिलो होल्डिंग 85 बिलियन कॉइन्स। तो मिलो के बारे में ये है कि अच्छा कॉइन है वैसे, नॉट बैड कॉइन, इसमें आप पैसा लगा सकते हो, वॉल्यूम जो है $9,93 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है अभी। ठीक है, 24 आवर वॉल्यूम ये जो दिखा रहा है,
तो वही वॉल्यूम दिखा रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको पता ही लगे 690 ट्रिलियन के हैं। सर्टिक ऑडिट का स्कोर एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्टिक ऑडिट, यहाँ पे रैंक जो है 208 के आसपास है और स्कोर जो है 85 का है जो अब आपको मैंने दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मिलो के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, अभी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।